हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑन व्हील्स विद एंडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू भोपाल। दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं आज हम। अराउंड टारगेट है सुबह 3 बजे निकलने का। अभी 2:13 हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं हम। एंड वी वांट टू रीच अराउंड से 5:30 इन द इवनिंग। We are going to VIT Bhopal and 785 kilometers है यहाँ से and it will take around 13 and a half hours, 13-14 घंटे लग सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम पहले एक्सप्रेस वे लेंगे आगरा वाला, फिर एक गांव से डाइवर्जन जाता है वहाँ से निकलेंगे, फिर हम मेन हाईवे पे आ जाएंगे मोनेरा, चंबल की घाटी होते हुए ग्वालियर, फिर ग्वालियर से गुना, रास्ते में शिवपुरी आएगा, फिर गुना से ब्यावला, ब्यावला से लेफ़्ट लेंगे दिल्ली मुंबई हाई को से हटते हुए लेफ़्ट की साइड और देन टुवर्ड्स सीहोर एंड फिर भोपाल। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड आपको लेके चलते हैं। होप यू लाइक द जर्नी। टेक केयर गाइस। चाल हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 4 बज गए हैं और 79 किलोमीटर्स कवर हो गया है। भोपाल जा रहे हैं दिल्ली से, 14 घंटे का सफ़र है, 785 किलोमीटर्स वीआईटी भोपाल का। और सो फार सो गुड, मस्त रोड्स हैं। अभी अभी जेवर एयरपोर्ट क्रॉस किया है, बहुत ही स्मूथ यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं, आगरा की तरफ जा रहे हैं। आगरा से मोरेना जाएंगे, फिर ग्वालियर, फिर गुना, फिर शिवपुरी होते हुए गुना, उसके बाद ब्यावला से लेफ़्ट लेंगे दिल्ली मुंबई हाईवे को छोड़ते हुए और सीहोर लेते हुए भोपाल पहुंच जाएंगे। चलिए आज आप भी एंजॉय कीजिए रोड हमारे साथ। मॉर्निंग दोस्तों, 5 बज गए हैं, 160 किलोमीटर्स कवर हो गया है, आगरा आने वाला है। दिल्ली से चले थे, वीआईटी भोपाल जा रहे हैं, 785 किलोमीटर्स कवर करना है, ऑलमोस्ट 14 आवर्स का टारगेट है उसमें। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, लग रहा है टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलिए रास्ता को एंजॉय कीजिए आप भी, बड़ी स्मूथ रोड्स हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं हम अभी, तो कहीं रुके नहीं है अभी तक, हमने ब्रेक ली नहीं है क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आगे देखते हैं, थैंक यू। हाल चाल है दोस्तों, 3 घंटे हो गए हैं हमें एंड 230 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड। दिल्ली से चले हैं, आगरा क्रॉस हो चुका है, अब धौलपुर की तरफ निकल गए हैं।
उसके बाद विल टेक अ राइट टूवर्ड्स द आगरा मुंबई हाईवे, बेसिकली मेन दिल्ली मुंबई हाईवे पर, एंड देन विल गो टूवर्ड्स ग्वालियर नाउ. सो राइट नाउ दिखा रहा है कि 331 तक पहुंच जाएंगे एंड 553 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से. तो काफ़ी अच्छा कवर किया हमने पहले 3 घंटे में. दो अभी तक ब्रेक नहीं लिए है, तो एक ब्रेक तो बनती है, एक लेंगे हम बीच में, सोच रहे हैं ग्वालियर में ले लें. तो ऑब्वियसली ये 3:30 का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, बट फिर भी बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि हमने सोचा था 5:30 भी पहुंच जाएंगे तो बहुत बढ़िया है. तो 14 आवर्स का हम लेके चल रहे थे एस्टिमेट, बट अब लग रहा है शायद 13 आवर्स में ही कवर हो जाए जर्नी. चलिए लेट्स सी, सी यू. मॉर्निंग फ्रेंड्स, 7 बज चुके हैं और हमें निकले हुए 4 घंटे हो गए हैं और 300 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है. मौलाना पहुंच गए हैं हम, अब हम ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं. वही 3:21 का अप्रॉक्सीमेट टाइम अब दिखा रहा है, 489 किलोमीटर्स टू गो, तकरीबन 8.5 घंटे बचे हैं. सुबह 3 बजे निकले थे हम, टारगेट है 5:30 बजे तक पहुँचने का भोपाल VIT, बट लेट्स सी कब पहुंचते हैं. अभी ब्रेक तो एक लेंगे ग्वालियर में, अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया हमने पिछले 4 घंटों में एंड 300 किलोमीटर कवर भी हो चुके हैं, मोलेना पहुंच गए हम. चलिए फिर मिलते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए रास्ता, देखिए. हेलो दोस्तों, 8:30 हो गए हैं. तो अब हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है नमन रसोई ग्वालियर में और 5:30 घंटे हो गए हैं हमें ट्रैवल करते हुए. 3 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ 1.5 घंटे की ब्रेक लिया है हमने एंड वी हैव कवर्ड 848, सो 338 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है एंड नाउ द नेक्स्ट ब्रेक हम लंच ब्रेक लेंगे गुना में. ऑलमोस्ट तीन घंटे का यहाँ से सफ़र है. सो दिल्ली से यहाँ तक 5 घंटे लगे हैं ऑलमोस्ट, अब 5:30 घंटे हो गए हैं क्योंकि ब्रेक के साथ. अब वहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, फिर भोपाल जाएंगे शिवपुरी होते हुए गुना, गुना से फिर ब्यावरा, ब्यावरा से लेफ्ट सीहोर एंड देन VIT भोपाल. चलिए चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाना है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 बज गए हैं, 7 घंटे हो गए हैं हमें और 450 किलोमीटर कवर हो गया है. बढ़िया है रोड्स. तो हम गुना की तरफ पहुंच, 100 किलोमीटर्स हैं यहाँ से गुना. शिवपुरी क्रॉस किया अभी अभी हमने, तो दिल्ली से निकले थे VIT भोपाल जा रहे हैं. शिवपुरी के में और शिवपुरी के बाद थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिला उससे पहले, अदरवाइज तो ठीक ही रहा है ये रूट बिल्कुल अभी तक एकदम परफेक्ट. चलिए फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर, एंजॉय द जर्नी.
की हाल चाल दोस्तों, 11:30 बज गए हैं, 525 किलोमीटर कवर हो गया है। गुना में अभी हम रुके थे, लंच किया है, जल्दी कर लिया, हमने कहा जल्दी पहुंच गए हैं तो आज जल्दी लंच कर लेते हैं। बढ़िया है यहाँ, K2 हाईवे ट्रीट एंड रेस्टोरेंट, बहुत ही बढ़िया जगह है खाने पीने के लिए रास्ते में। और ब्रेकफास्ट हमने नमन रसोई में किया था, दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन ग्वालियर। अब हम जा रहे हैं भोपाल की तरफ, VIT भोपाल। सो ब्यौरा से लेफ्ट लेंगे मुंबई दिल्ली हाईवे को छोड़ते हुए, एंड देन वील रीच टू सीहोर, और उसके बाद वहाँ से भोपाल। तो अब दिखा रहा है कि 3:41 तक पहुँच जाएंगे, एंड 4:10 की ड्राइव है अभी भी यहाँ से। स्मूथ ड्राइव रही है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई है। बट गुना से पहले एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने लास्ट ट्रिप पे भी की थी और आपको बताई थी ये बात, कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाइएगा। रोड्स खाली लगती हैं, आपको लगता है आप निकाल लोगे स्पीड पे, बट एकदम गऊ माता सामने आ जाती हैं। तो काफ़ी हमने एक्सीडेंट्स होते होते भी देखे हैं, हुए हुए भी देखे हैं, गऊ माताओं को भी देखा है जिनको लगी हुई है। तो थोड़ा सा रिस्क है, तो बहुत तेज़ मत चलाइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, शिवपुरी एज़ यूजुअल ट्रैफिक हाई था, उसके बाद गुना तक बीच में रोड्स बन रही हैं, अभी वो मुंबई दिल्ली हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, गडकरी जी का सपना हो रहा पूरा, तो बहुत बढ़िया बन रहा है वो। लेकिन अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो थोड़ा वहाँ पे ट्रक्स हैवी हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड्स भी उबड़ खाबड़ है अभी फॉर अ लिटिल वाइल, तो वहाँ पे थोड़ा जाम लगने का डर है, दैट्स इट। यूजुअली लगता आज हमें मिला नहीं, बिकॉज आज हम जल्दी निकल गए हैं, बिकॉज आई थिंक वी मूव्ड हाफ एन आवर अर्लियर, यूजुअली वी मूव अराउंड 3:30 AM इन द मॉर्निंग, बट आज हम 3 बजे दिल्ली से चले हैं सुबह, तो इसलिए हमें वो ट्रैफिक गंदे वाला मिला नहीं है अभी तक, विच इज़ सो गुड एंड रिलैक्सिंग। तो टायर्डनेस भी नहीं हुई है, अच्छा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रिप का, बहुत ही सीनिक है व्यू, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाते हो, ब्यूटिफुल, आई लव इट, लव ड्राइविंग ऑन दीज रोड्स। चलिए मिलते हैं आपसे, आप भी एंजॉय कीजिए रास्ते को। दोस्तों, गुड आफ्टरनून, फाइनली आफ्टरनून हो गई है, 12:30 बज गए हैं, 9:30 हो गए हैं हमें दिल्ली से चले हुए, 600 किलोमीटर कवर हो गया है 9:30 में, और अब दिखा रहा है 3:24 अराइवल टाइमिंग, 181 किलोमीटर्स टू गो टू रीच VIT भोपाल। दिल्ली से चले थे सुबह 3 बजे, मज़ा आ रहा है, स्मूथ ड्राइव है, टाइम से बहुत पहले पहुँच रहे हैं, मुझे लगा था 14 आवर्स लग जाएंगे, एस्टिमेशन हमने लगाया था, बट अगर हम 3:30 बजे पहुंच जाते हैं तो कमेंडेबल होगा, क्योंकि 12.5 आवर्स में कवर हो जाएगा, विच इज़ टू गुड, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने सुबह 3:30 बजे यही सेम ट्रिप की थी तो हमें पूरे 13 आवर्स लगे थे, वो भी हमने 1 घंटा पहले कवर किया था, लेकिन आज लग रहा है 1.5 घंटे पहले हम पहुँच जाएंगे। सो मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, स्मूथ ड्राइव है, स्मूथ रोड्स हैं, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, ब्यूटीफुल रोड्स, आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, 1:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने 700 किलोमीटर्स कवर कर लिया है पिछले 10.5 घंटे में, 3 बजे हम चले थे तो 1:30 हो रहा है इस वक्त, ग्रेट स्पीड
मज़ा आ गया इस ट्रिप में आज। अब टाइम दिखा रहा कि हम 3 बजे पहुंच जाएंगे, तो 3 बजे चले थे और 3 बजे पहुंच जाएंगे, तो 12 घंटे में ट्रिप कवर हो गई है, विच विल बी लाइक 785 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू VIT भोपाल। अभी अभी नालसिंहगढ़ क्रॉस किया हमने, अमेजिंग। आई थिंक आज स्पीड बहुत बढ़िया रही है, आई डोंट नो द रीज़न फॉर दैट, चलाई हमने अच्छी है या रोड्स खाली मिली या क्या है रीज़न, बट आज बहुत ही जल्दी हुआ है। 14 आवर्स का यूजुअली ये सफ़र है, बट टुडे वी हैव बीन एबल टू क्रॉस इट इन जस्ट 12 आवर्स। 12 घंटे में हम दिल्ली टू भोपाल VIT भोपाल पहुँच जाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो प्लान ये है, उसके बाद हम अपने होटल में चेक इन करेंगे VIT भोपाल से पिक करने के बाद, और ग्रेशियस रिजॉर्ट हम जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम क्रीसेंट गए थे, दैट वॉज ब्यूटिफुल अमेजिंग, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू ग्रेशियस रिजॉर्ट, वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर कल वापसी होगी दिल्ली, तो आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। चलिए अभी तो पहुँचते हैं, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं। 2 बज चुके हैं, 11 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे का सफ़र बचा है, और अब हमारा यहाँ से आई थिंक 32, सो 720 किलोमीटर्स हो गया, 50 किलोमीटर्स टू गो, दैट्स इट। सीहोर गांव में हमने एंटर किया अभी, तो यहाँ से सीधे जाएंगे, राइट लेंगे, फिर क्रीसेंट होटल्स आएंगे, उसके बाद VIT भोपाल आएगा, उसी रोड पर सीधे जाकर लेफ्ट लेकर। सो 1 घंटे का रास्ता रह गया, एंड विल बी आफ्टर दैट गोइंग टू ग्लेशियर्स रिजॉर्ट, एंड विल बी चेकिंग इन। सी यू गाइस, एंजॉय द जर्नी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब हम पहुँच ही रहे हैं VIT भोपाल। तो इस वक्त हम भोपाल इंदौर हाईवे पर हैं, और इस हाईवे पर चलते हुए आपको लेफ्ट में VIT भोपाल की बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी, और उसके बाद आपको गांव में लेफ्ट लेना है, एंड देन यू हैव टू गो टू VIT भोपाल। मैं आपको थोड़ी रोड दिखाता हूँ, फिर एग्जैक्ट उस लोकेशन पर दिखाऊँगा कि आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा VIT भोपाल जा, आप देखिए ज़रा। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम भोपाल इंदौर हाईवे पर हैं, इंदौर की तरफ जा रहे हैं, और लेफ्ट में आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी काफ़ी दूरी पर, वही VIT भोपाल है, और वहीं हमें जाना है। तो आगे से लेफ्ट आएगा कट, वो लेंगे हम मेन हाईवे से, एंड देन विल बी रीचिंग देयर। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट एरिया वेयर आपको दिखना शुरू हो जाता है हाईवे से ही, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड VIT भोपाल। अभी आई एम फोकसिंग ऑन द रोड ओनली, सो दैट यू नो विच कट टेक्स यू देयर, देन इट्स अ 5 मिनट ड्राइव टू द कॉलेज इन साइड ऑल्सो फ्रॉम द विलेज। इज दिस द वन?
सो ये एग्जैक्ट कट है जहाँ से आपको VIT भोपाल के लिए यू हैव टू टेक इट लेफ्ट कट, ये देख लीजिए। सो ये थोड़ा सा 5 मिनट का गांव का रास्ता है एंड देन यू रीच देयर। मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये अब हम हाईवे से गांव में घुस गए हैं। VIT के अंदर भी एंट्री लेने के बाद वंस आई रजिस्टर इट देन मैं आपको अंदर भी दिखा दूंगा। रोड्स बहुत अच्छा बना हुआ है, 200 एकड़ में बना है पूरी प्रॉपर्टी। एकेडमिक विंग की तरफ अभी जाने नहीं देंगे तो हॉस्टल्स की तरफ हम घूमेंगे। सो लेफ्ट नहीं लेंगे, घुसने के बाद राइट लेंगे तो आपको आधा एरिया ही दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि पेरेंट्स को एंड बाहर से जो लोग आते हैं उनको अलाउड नहीं होता एकेडमिक ब्लॉक में जाना। ये आपको लेफ्ट में अब दिखना शुरू हो रहा होगा, ये बाउंड्री है। और ये हम मेन गेट पर आ गए हैं VIT भोपाल के। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है एंड देन वी विल शो द इनसाइड टू यू। हॉस्टल जाना है, ठीक है सर। तो ये अब हम VIT भोपाल के अंदर एंटर हो गए हैं। लेफ्ट में ब्लॉक है एकेडमिक एंड राइट में ब्लॉक है हॉस्टल्स के लिए। ये सामने बसेस खड़ी हैं VIT भोपाल की, यहाँ अंदर ही चलती हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है तो बच्चों के लिए बसेस की सुविधा भी है, काफ़ी बसेस हैं इनकी, होनी भी चाहिए। ये लेफ्ट में जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये बच्चे टहल रहे हैं कुछ। छुट्टियां हो गई हैं तो आज सब घर वापस जा रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको दूर, ये ओल्ड हॉस्टल है बॉयज का। और राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग, आई डोंट नो अभी आपको विजिबल है या नहीं, दैट इज़ द न्यू बॉयज़ हॉस्टल। एंड एक थर्ड भी बनना शुरू हो गया है। तो ये अभी VIT भोपाल के अंदर ही है हम, एंड काफ़ी लंबा रास्ता है अंदर भी। एज आई टोल्ड यू 200 एकड़ में बना हुआ है पूरा। ये एग्जैक्टली अब हम ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल की तरफ आ गए हैं। मुझे न्यू बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जाना है तो मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। यहाँ से आप राइट लेंगे तो पहुँच जाएंगे न्यू बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। ये सामने राइट में जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, 2-4 बिल्डिंग्स हैं, ये न्यू बॉयज़ हॉस्टल की है। ये न्यू बॉयज हॉस्टल है। ये सामने मेस है इनकी,